ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को रेलवे निजीकरण को लेकर डीजल लॉबी के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ के क्षेत्रीय अध्यक्ष जेन शाह ने बताया कि सरकार के द्वारा रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। रेलवे जनता की जरूरत है, जो लोगों को सुविधा प्रदान करता है और लोगों की यात्रा को सुगम बनाता है। रेलवे के निजीकरण के आदेश पर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए उस पर रोक लगाने की जरूरत है। इस मौके पर विनोद कुमार सिंह, विशाल कुमार, मिथिलेश मिश्र, विश्वनंदन तिवारी, भरत कुमार, अशोक यादव सहित रनिंग स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जे एन शाह ने कहा, टूटी फूटी भाषा में कुछ कहना चाहूंगा आप सभी से, है कि आप मीडिया पर देखिए किसी भी चैनल पे, तो एक दो चैनल को जोड़ के केवल लग रहा है कि कल युद्ध हो जाएगा, मूव कर दिया, प्रोपेगंडा वार चालू है, खेल है, तो माहौल चल रहा है, मॉल बना है। मैं जयंत शाह, क्षेत्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। आज सर किस तरह का कार्यक्रम किया गया? ये कार्यक्रम आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य रूप से रेलवे समेत तमाम क्षेत्रों के सरकार के निजीकरण के नीति के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य रूप से तमाम फेडरेशन, तमाम एसोसिएशन, कैटेगोरिकल एसोसिएशन, हमारी रेल मजदूरों की मांग ये है कि रेलवे जैसे आम जनता के जरूरत और एक बड़े सम्मानजनक रोजगार प्रदाता संस्थान के रूप में इसके कार्य करने की वजह से इसको किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में निजी क्षेत्र में देने की जरूरत नहीं है। मांगे मानना न मानना सरकार का विशेषाधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, लेकिन हम रेल मजदूरों का, हमारे एसोसिएशन का, तमाम फेडरेशंस का, आम जनता का जो कर्तव्य है, हम जनतांत्रिक तरीके से इसको अपनी विरोध करने का एक माध्यम बना रहे हैं इसको।